मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क यानी भारतीय रेल के निजीकरण की अफवाह पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार के कई शहरों में पटना, आरा, सासाराम, नवादा, औरंगाबाद, समस्तीपुर आदि रेलवे स्टेशनों पर हजारों की तादाद में छात्र पहुंचकर उग्र प्रदर्शन करने लगे। सासाराम स्टेशन पर उग्र हुए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, मगर फिर भी लाखों रुपए के रेलवे संपत्ति नष्ट हो गई। रेलवे निजीकरण और उसके कारण सरकारी नौकरियों के खत्म होने की बात पर छात्र भड़क गए और व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए ये छात्र इकट्ठा हुए और उग्र हो गए। उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने शव यात्रा भी निकाली और रेल मंत्री, प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया। देखिए किस तरह से ये प्रदर्शनकारी उग्र हुए हैं। बहुत सारे पोस्ट थे, जैसे किसी पोस्ट के लिए 48,000 वैकेंसी थी, उसको घटा के सीधे आप 10,000 कर देंगे। कहाँ 48,000 बच्चा जॉब करेगा और कहाँ 10,000? ये हमारे माँ बाप के लिए कितना कठिन होगा कि हमारा बच्चा कुछ चीज़ से पिछड़ जाएगा। या हम मेहनत क्यों करते हैं? हम सरकारी जॉब के लिए मेहनत करते हैं। रेलवे में हमारा एक शौक है कि हम ओनली रेलवे में जॉब करेंगे, हमारा भी ऐसा जिंदगी होगा। हमारे माँ बाप को कैसा लगेगा अगर ये अपने मन मर्जी से सब चीज होने लगा? अपने मन मर्जी से क्यों बच्चे क्वालिफाई होकर क्यों नहीं जाएंगे? तो ऐसा किसी ने अफवाह फैला दिया कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है सरकार द्वारा, उसी का विरोध प्रदर्शन के स्वरूप यहाँ पे आए हैं ताकि ये लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इनका भविष्य नुकसान में ना पड़ जाए। तो हम लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं और समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र थे। आपको बता दें कि जब शुरू में ही खबरें आई थी कि 50 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनों का निजीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है, तब केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बयान जारी कर कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि निवेश लाने के लक्ष्य से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर विचार किया जा रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।